आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि बुखार क्यों आता है, किसी भी वजह का बुखार हो, आखिरकार हमारे बॉडी में क्या सिस्टम है, क्यों हमें बुखार आता है। मान लीजिए कि आपके बॉडी में कुछ वायरस आ गए हैं, जैसे कि कोरोना वायरस है या कोई भी दूसरा वायरस, तो बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम होता है, इसे टेम्परेचर थर्मोस्टैट बोलते हैं, और ये होता है माइंड में। तो जब ब्लड में बहुत सारे वायरस आ जाते हैं तो बॉडी का जो थर्मोस्टैट है वो थोड़ा सा अप शिफ्ट हो जाता है। अगर ये 2 डिग्री अप शिफ्ट हो जाए तो गर्म तापमान की वजह से वायरस का मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है और वायरस जल्दी मरना शुरू हो जाते हैं। तो बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम है, बिना किसी दवा के जो मौसमी बुखार होते हैं 2-3 दिनों के अंदर वो वायरस की वजह से होते हैं, और 2-3 दिनों के अंदर बुखार के बाद हम अपने आप नॉर्मल ठीक हो जाते हैं। अगर आप बुखार की दवा लेते हैं तो ये थर्मोस्टेट को वापस नीचे के लेवल पर शिफ्ट कर देता है। तो बुखार की दवाइयाँ बुखार को कंट्रोल तो कर देती हैं, लेकिन हमारे नेचुरल डिफेंस को भी कमज़ोर कर देती हैं। बुखार आना हमारा नेचुरल डिफेंस है, क्योंकि जो वायरस है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर उसे चाहिए होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब जो हमारे ब्लड का जो तापमान है वो उसे चाहिए होता है रैपिडली मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर पूरे ब्लड का तापमान ही बढ़ जाएगा तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा, ये हमारा नेचुरल डिफेंस है। अगर आप बुखार की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेकर के बुखार को कंट्रोल में रखेंगे और बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल बनाए रखेंगे तो वायरस तेज़ी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप लगातार बुखार की दवाइयाँ खा रहे हैं, दिन में 3 या 4 गोली, तो वायरस ज़्यादा दिनों तक आपके ब्लड में रहेगा। और बीच बीच में नेचुरली अगर ब्लड का टेम्परेचर एलिवेट होता है तो वायरस जल्दी ब्लड में से क्लियर होगा। ये तो हो गया बुखार का साइंस। दूसरी चीज़ जो कोरोना में हो रही है वो ये है कि वायरस अपने आप में बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर रहा है, लेकिन वायरस के प्रति जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो इतना ज़्यादा रिएक्शन कर रही हैं, अपने केमिकल्स रिलीज़ कर रही हैं उस वायरस को ट्रैप करने के लिए। उन केमिकल्स को बोलते हैं साइटोकाइन, और इस बहुत ज़्यादा केमिकल रिलीज़ होने को बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, मानो कि तूफान आ गया उन केमिकल्स का। और ये साइटोकाइन स्टॉर्म जो होता है, ये केमिकल्स जो होते हैं, वायरस को तो उतना मार नहीं पाते, लेकिन हमारी अपनी ही सेल्स को डैमेज करते हैं, हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं। लंग्स के डैमेज होने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम होने लगता है और उसकी वजह से डेथ होती है। तो अगर हम अपने ही WBC को थोड़े दिनों के लिए साइलेंट कर पाएँ तो जो साइटोकाइन स्टॉर्म है उसे हम रोक पाएंगे, और जो कोविड की वजह से नुकसान हो रहा है लंग्स में उसे हम बचा पाएंगे, और शायद हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही वजह है कि जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स होते हैं, जो स्टेरॉयड होते हैं, जैसे कि डेक्सोना है, डेक्सोमिथाजोन, इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने ही WBCs को साइलेंट करने के लिए, कि वो कोविड के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करें, ताकि आसपास का टिश्यू डैमेज ना हो, लंग्स का डैमेज ना हो। दूसरा तरीका यह है कि हमारे पास कुछ एंटीवायरल टैबलेट्स होनी चाहिए, और जिसकी वजह से वायरस का मल्टीप्लिकेशन रुक सके। तो कुछ इंजेक्शन्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, कुछ टैबलेट्स हैं ऐसी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, लेकिन ये सब कोरोना के लिए स्पेसिफिक नहीं हैं। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि ये वायरल मल्टीप्लिकेशन को रोकती हैं, पर ये पूरी तरह से स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए इनको अनुमति मिली है सिर्फ इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो अगर आपको बहुत फीवर वाली प्रॉब्लम हो रही है तो बीच बीच में फीवर का बढ़ जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये नेचुरल डिफेंस है, वायरस को कम करता है। दूसरा, अगर किसी ऐसे तरह के वायरस का अंदेशा हो जो कि अपने टिश्यू को डैमेज कर रहा हो, तो डेक्सोना जैसे इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनिटी दबाने वाली दवाइयों को लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। तीसरा, वायरस से संबंधित जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं मार्केट में, उनको भले ही वो उतनी स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन उनको लेना भी कुछ हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है।